आज हम आपको बता रहे हैं 7 सितंबर का दिन किन राशियों के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है और किस राशि के जातकों को सतर्क रहने की जरूरत है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि। दिन आपके लिए सुखद परिणाम देने वाला रहेगा, परेशानियों से आपको राहत मिलेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। वृषभ राशि, दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहेगा, परिवार में किसी के विवाह पर चर्चा हो सकती है, आपका धन खर्च बढ़ सकता है। मिथुन राशि, दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा, संतान की उन्नति देखकर आप प्रसन्न होंगे, आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, व्यापार में आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कर्क राशि, दिन आपके लिए कुछ परेशानी जनक रह सकता है, स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है, आपको लाभ मिलेगा, समय आप संतान की समस्याओं को सुनने में व्यतीत करेंगे। सिंह राशि, दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, अपने व्यापार की चिंता सता सकती है, आपको अपने आलस्य को त्यागना होगा। कन्या राशि, दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहेगा, आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा। तुला राशि, दिन आपके लिए कुछ उलझन भरा रहेगा, कुछ शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको अपने मन की दुर्बलता को निकालना होगा, ससुराल पक्ष से मान सम्मान मिलता दिख रहा है। वृश्चिक राशि, आपको कोई मांगलिक समाचार सुनने को मिलेगा, आपके मन में हर्ष होगा, तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दे। धनु राशि, दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा, दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा, कोई बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। मकर राशि, दिन आपके लिए सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है, आपके जन समर्थन में इजाफा होगा, दिन भर शुभ समाचार सुनने को मिलते रहेंगे, आपका मन प्रसन्न होगा। कुंभ राशि, दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है, आज दिन उत्तम रहेगा, आप कुछ धन भी व्यय करेंगे, आपको सफलता मिल सकती है। अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दिन आपके लिए उन्नति भरा रहने वाला है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, धन आपको वापस मिल सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।